दोस्तों अगर आप लोगों का बजट 20,000 रुपए है इस महंगाई के दौर में और आप लोगों को 20,000 के बजट के अंदर एक तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए, लाइक अगर आप लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ गेमिंग है, आप लोगों ने गेमिंग ही करनी है, आप लोगों को सिर्फ गेमिंग के लिए ही स्मार्टफोन चाहिए, लाइक पबजी के अंदर आप लोगों को 60 FPS देखने को मिलना चाहिए, लाइक एक्सट्रीम पे पबजी चलनी चाहिए, तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही स्मार्टफोन लेके आया हूं जो कि आपको मिलेगा तो 20,000 रुपए में, लेकिन आप लोगों को पबजी के अंदर एक्सट्रीम ग्राफिक्स प्रोवाइड करेगा। और भाई आप लोगों को पता है कि भाई इस टाइम 20 से 25,000 की प्राइस में एक नया स्मार्टफोन अच्छे स्पेक्स के साथ मिलना वो भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूज फोन लेके आया हूं जिसके अंदर आप लोगों को सारी स्पेसिफिकेशन तगड़ी मिलने वाली है, कौन सा फोन होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई देखो इस वीडियो को एंड तक, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों इस टाइम पाकिस्तान में 20,000 के बजट के अंदर पबजी के अंदर एक्सट्रीम ग्राफिक्स मिलना मतलब कि 60 FPS मिलना नामुमकिन है, लेकिन ये एक किट फोन है जिसके अंदर आप लोगों को 60 FPS देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो भाई आप लोग आंखें बंद करके स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सो भाई यहां पर आप लोगों को 6 इंचेस के एक POLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, यानी कि 1440p की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। फ्रंट एंड बैक पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है एंड भाई फ्रंट पर 13 MP की सेल्फी मिलती है जिसकी मदद से आप लोग 1080p में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रंट सेल्फी में आप लोगों को OIS देखने को नहीं मिलेगा, EIS देखने को मिलेगा। क्या डिजाइन की बात करूं तो स्मार्टफोन का डिजाइन काफी ज़रा खूबसूरत है। स्मार्टफोन की बैक ग्लास की होगी, एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन की बैक पर आप लोगों को एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 19 MP का है और इस कैमरे की मदद से आप लोग इजीली 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS, 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। और भाई स्मार्टफोन की जो कैमरे की क्वालिटी है वो 20,000 की प्राइस के हिसाब से आप लोगों को काफी ज़रा अच्छी देखने को मिलेगी। खैर जो स्मार्टफोन इन्फिनिक्स, टेक्नो या फिर रियलमी की तरफ से आ रहे हैं 20 से 30,000 की प्राइस में, उससे तो भाई स्मार्टफोन के कैमरे की क्वालिटी आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। वैसे गाइस ये स्मार्टफोन डेडिकेटेड गेमर्स के लिए होने वाला है, लेकिन अगर आप लोगों का बजट 20,000 रुपए और आप लोग 20,000 के बजट के अंदर इस स्मार्टफोन को कैमरे के लिए भी परचेज करते हैं तो भाई आप लोगों को कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। चिपसेट की बात करूं तो चिपसेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा। यस गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 जो कि 10 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। इस चिपसेट के साथ इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस आप लोगों को काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी और साथ में पबजी के अंदर एक्सट्रीम ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे यानी कि 60 FPS देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात बन जाती है। 20,000 की प्राइस के अंदर आप लोगों को एक ऐसा स्मार्टफोन मिल जाए जिसके अंदर आप लोगों को हर चीज बेस्ट मिले, आप लोगों को और क्या चाहिए, क्योंकि भाई पाकिस्तान में 50 से 60,000 की प्राइस में भी कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं आ रहा जिसके अंदर आप लोगों को ऐसा चिपसेट देखने को मिले। थके हुए चिपसेट लगा रहे हैं, स्नैपड्रैगन 680 वाला चिपसेट यूज कर रहे हैं जो कि बेकार तरीन चिपसेट है। मेमोरी वेरिएंट की बात करूं तो भाई स्मार्टफोन के दो वेरिएंट है, 4/64 और 6/64। ये स्मार्टफोन जो है वो आप लोगों को पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट से इजीली मिल जाएगा, खास तौर पर लाहौर और कराची से ये स्मार्टफोन जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे स्मार्टफोन जो है लाहौर या कराची के अंदर ना दर्जनों के हिसाब से आते हैं, वहां से ये स्मार्टफोन आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। और भाई 20,000 की प्राइस में आप लोगों को ये स्मार्टफोन जो है वो आंखें बंद करके परचेज कर लेना चाहिए अगर आप लोगों को सिर्फ गेमिंग करनी है तो। और अच्छी बात है कि भाई स्मार्टफोन में आप लोगों को UFS 2.1 की स्टोरी देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है और साथ ही फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आता है, तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि भाई स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 3300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जिसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जाता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो है वो काफी ज्यादा हल्का होने वाला है, तो भाई स्लिम स्मार्टफोन है जिसकी वजह से आप लोगों को 3300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी ये स्मार्टफोन ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा जबरदस्त है, आंखें बंद करके आप लोग स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं तो भाई स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा वो भी बैटरी के साथ, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी कम बैटरी देखने को मिलती है, बाकी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी गाइज ये तो था मेरा ओपिनियन इस स्मार्टफोन के हवाले से, आप लोगों का क्या ओपिनियन है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं गाइज आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।